कोरोना की वजह से मुंबई में लॉकडाउन था, शूटिंग भी बंद, बाहर आना जाना भी बंद, पर फिर भी 7 जून की रात तक सब कुछ ठीक था। सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ एक ही घर में रह रहे थे। रिया को साथ रहते रहते अब तक 3 महीने हो चुके थे, मगर 8 जून की सुबह अचानक एक ऐसी खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत परेशान हो उठते हैं। फिर रिया और सुशांत के बीच में झगड़ा होता है और रिया अपना सारा सामान लेकर सुशांत के घर से निकल जाती है। 7 जून 2020, उस रात तक सब कुछ ठीक था। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में बिल्कुल सामान्य थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती मार्च से उनके साथ इसी घर में रह रही थी। लॉकडाउन के चलते शूटिंग बंद थी और बाहर आना जाना भी बंद था। सुशांत के तीनों नौकर और उनका दोस्त घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती फर्स्ट फ्लोर पर। 8 जून 2020 सुबह सुबह सुशांत को पता चलता है कि उनकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालिया ने मलाड के जन कल्याण नगर की एक सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। दिशा को सुशांत और रिया दोनों अच्छे तरह से जानते थे, बल्कि दिशा को सुशांत से मिलवाने वाली ही रिया थी। दिशा ने जब खुदकुशी की तब उसका मंगेतर उसके साथ था। दिशा की खुदकुशी की खबर से सुशांत हैरान थे। दिशा की मौत की खबर मिलने के बाद अचानक घर का माहौल बदल जाता है। रिया और सुशांत के बीच झगड़ा होता है। फिर दोपहर होते होते रिया, जो पिछले 3 महीनों से सुशांत के साथ रह रही थी, अपना सारा सामान लेकर घर छोड़ देती। वो ये कहकर जाती है कि अब फिर कभी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर से निकलते ही वो सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर देती। पूर्व सेक्रेटरी की खुदकुशी और रिया चक्रवर्ती का झगड़ा करके घर से निकल जाना सुशांत को परेशान कर देता। सुशांत मुंबई में रहने वाली अपनी बहन मीतू को फोन करते हैं। मीतू सुशांत को समझाती है और फोन पर ही इस सदमे से उभारने की कोशिश करती है। 9 जून 2020 सुबह अखबारों में सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी की खुदकुशी की खबर भी छप चुकी थी। खबर में सुशांत का भी नाम था। सुशांत और ज्यादा परेशान हो उठते हैं। मीतू को फोन करते हैं। मीतू भाई को परेशान देख सुशांत के घर पहुंच जाती है। इस दौरान सुशांत मीतू को रिया के साथ हुए झगड़े के बारे में भी सारी बातें बता देते हैं। दिशा की मौत और रिया का घर से झगड़ा करके चले जाना सुशांत को बेहद परेशान कर देता है। सुशांत को परेशान देख मीतू अमेरिका में रहने वाली अपनी बहन श्वेता से बात करती है। वे उसे दिशा की खुदकुशी और रिया के झगड़े के बारे में भी बताती है। ये जानने के बाद श्वेता अमेरिका से 9 जून की रात को सुशांत को व्हाट्सएप करती है और सुशांत से उसके पास अमेरिका आने के लिए कहती है। श्वेता के इस व्हाट्सएप का जवाब सुशांत 10 जून की सुबह देते हैं और लिखते हैं कि मेरा भी बहुत मन करता है दी। इस व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट खुद श्वेता ने भी शेयर किया है। 12 जून 2020 3 दिन तक सुशांत के साथ रहने के बाद मीतू अपने भाई को समझा बुझा कर वापस अपने घर लौट जाती। दरअसल मीतू के बच्चे छोटे हैं, इसलिए बच्चों के पास भी जाना जरूरी है और जाने से पहले मीतू ने सुशांत को अच्छी तरह से समझा बुझा दिया था। 14 जून 2020 लेकिन मीतू के जाने के 2 दिन बाद ही 14 जून को दोपहर सुशांत की लाश उनके बेडरूम में पंखे से झूलती हुई मिलती है। सुशांत के नौकर ने कमरे का दरवाजा ना खोलने पर सबसे पहला कॉल मीतू को ही किया था। मीतू भागकर घर पहुंची और फिर मीतू के सामने ही ताले वाले कमरे का दरवाजा खोला गया। यानी कुल मिलाकर सुशांत की मौत की कहानी का असली सच 8 जून से 14 जून के बीच ही छुपा था, जिसकी शुरुआत पूर्व सेक्रेटरी की खुदकुशी से हुई थी। तो क्या दिशा की खुदकुशी सुशांत की मौत की वजह बनी या दिशा की खुदकुशी के बाद रिया का घर छोड़कर जाना? तो इस सच को समझने के लिए एक बार फिर से 8 जून यानी कि दिशा की खुदकुशी के दिन की पूरी कहानी समझनी जरूरी है। दिशा सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी थी। वो एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जो सेलिब्रिटीज के काम देखा करती थी। रिया के जरिए उस कंपनी ने दिशा को सुशांत का मैनेजर बनाकर भेजा था, मगर बाद में किसी वजह से दिशा ने वो कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ते ही सुशांत के साथ दिशा का कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप खत्म हो गया। अब दिशा का सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। 8 जून की उस कहानी को समझने के लिए दोस्तों सुशांत के पिता की ओर पटना में लिखाई गई FIR के इन लाइनों को पढ़ना भी जरूरी है। दरअसल FIR भले ही सुशांत के पिता ने लिखी हो, मगर FIR में 8 जून वाली ये बात मीतू ने अपने पिता को बताई थी। 9 जून से 12 जून तक जब मीतू सुशांत के साथ उसके घर में थी, तब सुशांत ने कई बार ये कहा था कि उसे डर है कि दिशा की खुदकुशी में रिया उसे फंसा ना दे। इस बात से सुशांत बेहद ज्यादा परेशान थे। अब सवाल यहाँ ये कि रिया चक्रवर्ती दिशा की खुदकुशी के केस में सुशांत को क्यों फंसाना चाहती थी? हालांकि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दिशा की खुदकुशी के मामले में दिशा के परिवार वालों ने कभी किसी पर शक नहीं जताया।
पुलिस की जांच में जो बात सामने आई वो ये थी कि दिशा और उसकी कंपनी ने कुछ सेलिब्रिटीज से शूट के लिए एडवांस लिए थे। ये पैसे उन्हें वापस लौटाने थे। दिशा पैसे वापस लौटा नहीं पा रही थी और इसी वजह से वो परेशान थी। पुलिस का मानना है कि दिशा की खुदकुशी के पीछे यही वजह थी। तो फिर सुशांत को दिशा की मौत में फंसाए जाने का डर क्यों था? तो सूत्रों के मुताबिक ये डर रिया ने सुशांत के दिल में बिठा दिया था। दरअसल लॉकडाउन के दौरान दोस्तों रिया और सुशांत के बीच कई बार झगड़े हुए थे, लेकिन फिर झगड़ा सुलझ जाता था। मगर 8 जून को दिशा की मौत के बाद ये झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद रिया अपना सारा सामान साथ में सुशांत के कई कागजात और दूसरे सामान लेकर वहां से चली गई। सुशांत के घर वालों का इल्जाम है कि इन कागजातों में सुशांत के इलाज के पेपर भी थे, जिनके दम पर रिया ये धमकी दे रही थी कि इन कागजातों को मीडिया में देकर वो सुशांत को पागल करार कर देगी, फिर उसे फिल्मों में कोई भी काम नहीं मिलेगा। लेकिन एक अजीब बात यह है कि रिया की जिंदगी में आने वाले कुछ ही महीने बाद 2019 से सुशांत का फिल्मी ग्राफ गिरने लगा। बड़े बजट और बड़े बैनर फिल्म एक एक कर हाथ से जाने लगी और यही वो वक्त था जब अच्छे खासे सुशांत को पहली बार रिया की जिंदगी में आने के बाद मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा। दरअसल दोस्तों रिया अकेले सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी। रिया की माँ संध्या चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और रिया के खास दोस्त सैमुअल मिरांडा भी लगातार सुशांत के इर्द गिर्द थे। यहां तक कि 2019 में ही सुशांत ने जो कंपनी खोली थी उन कंपनियों में भी रिया और उसके भाई डायरेक्टर के तौर पर शामिल थे। सुशांत और रिया इसी साल शादी भी करने वाले थे, मगर कोरोना की वजह से शादी टल गई। खुद सुशांत के पिता ने बताया कि आखिरी बार उनकी सुशांत से जब बातचीत हुई थी तब सुशांत ने कहा था कि वे अगले साल फरवरी में शादी करेंगे। अब सवाल यह है कि जब शादी तक बात पहुंच चुकी थी तो फिर रिया और सुशांत के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज रिया के ऊपर गिरफ्तारी तक की तलवार लटकी हुई है। सुशांत के पिता और बहन के इल्जाम के हिसाब से रिया सिर्फ और सिर्फ पैसों और फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए सुशांत की जिंदगी में आई थी। उसके आते ही साल भर के अंदर सुशांत डिप्रेशन के मरीज हो गए, बैंक बैलेंस भी लगभग खत्म हो गया। लेकिन एक और वजह थी जिससे रिया को डर लग रहा था। मार्च से पहले तक सुशांत और रिया की जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी, मगर मार्च से 8 जून तक जब दोनों एक साथ रहने लगे झगड़ा वहीं से शुरू होता है। इस दौरान सुशांत पुरानी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ भी दोबारा चैट शुरू कर चुके थे। सुशांत अपनी परेशानी अंकिता से शेयर करते थे। सुशांत और अंकिता के बीच इस बातचीत की जानकारी साथ रहने के दौरान रिया को भी लग चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक अंकिता से बातचीत बंद कराने के लिए रिया ने सुशांत के मोबाइल के कई नंबर तक बदलवा दिए थे। इसी बीच रिया सुशांत पर एक और दबाव बना रही थी। दबाव ये कि वो अपनी फिल्मों में लीड हीरोइन का रोल उससे ही दिलवाएं, वरना फिल्म करने से वो मना करते। सुशांत को कंपनी खोलने और उसमें पैसा लगाने के लिए भी रिया ने ही दबाव बनाया था, मगर सुशांत फिल्म इंडस्ट्री से दूर ऑर्गेनिक खेती के पेशे में उतरना चाहते थे। ये बात भी रिया को नागवार गुजरी थी। रिया को इस बात का भी डर था कि सुशांत कहीं फिर से अंकिता के पास ना लौट जाए। इन्हीं सब चीजों ने दोनों के रिश्ते बेहद खराब कर दिए, इतनी खराब कि 8 जून को रिया सुशांत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और उसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत ने दुनिया छोड़ दी। फिलहाल दोस्तों आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।